रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है फिट होंगे, खरीद होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ जनाब आप लोगों के सामने। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक विंडोज़ के रिलेटेड है मेरा, कि कंप्यूटर की विंडो आप लोग अक्सर करते हो या आपकी विंडो हुई हुई है, ठीक है। तो अक्सर इशू हो जाता है कि जो आपको अपडेट करने कहता है या एक्टिवेट करने कहता है, क्योंकि आप जब जाते हैं और विंडो करवा के आते हैं कंप्यूटर वालों से, या आप सीडी लेके आते हैं, यूएसबी मरवा के लाते हैं, कोई भी चीज़ लाते हैं, तो अक्सर वो ना एक्टिवेटेड नहीं होती, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। अब एक्टिवेट करने के लिए या तो आपको लाइसेंस की चाहिए होती है, की होती है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट से मिलती है, ठीक है, और या फिर आपको एक्टिवेटर चाहिए होते हैं, उन एक्टिवेटर के जरिए आप एक्टिव कर सकते होते हैं, ठीक है। हैं तो सारे क्रैक करने वाले तरीकाकार, तो इन्हीं में से एक तरीकाकार के बारे में आज बताने वाला हूँ कि अगर आपकी विंडो एक्टिवेशन मांग रही है तो आप उसको एक्टिव किस तरह से करेंगे। आज ये वीडियो में आपको पूरा तरीकाकार बताऊँगा, सॉफ्टवेयर कौन सा है, किस तरह से, और बिल्कुल सिंपल सा सीधा सीधा सा रास्ता है, तो आपको इंशाल्लाह बताने वाला हूँ। और फिर से अगर भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें, और लाइक शेयर भी कर दिया करो यार वीडियो को, थोड़ा बहुत फायदा अगर होता है मेरी वीडियो से आपको तो लाइक शेयर लाजमी किया करो यार। और चलते ज़रा कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ भाई आपने विंडो को एक्टिवेट कैसे करना होता है, ठीक है जी। चलें ज़रा कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं जी। हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने जो अपनी विंडोज़ एक्टिवेट करनी है वो किस तरह से करनी है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, और किस तरह से उसको यूज़ करते हुए हम अपनी एक्टिवेट करेंगे विंडोज़, ठीक है। मैं सॉफ्टवेयर के बारे में पहले बता चुका हूँ, लेकिन जहरी बात है हर बंदे ने हर वीडियो नहीं देखी होती, मेरी वीडियोज़ भी सबने तो नहीं देखी, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वेबसाइट जो है हम टॉरेंट हम पहले यूज़ करेंगे, 1337x.to ये वेबसाइट है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सॉफ्टवेयर का नाम है जी KMS ऑटो नेट, ठीक है। अब KMS ऑटो नेट 2015 मैं इसको प्रेफर करूँगा, अच्छा यूज़ करते हैं ये, मैं इसको खुद यही यूज़ करता होता हूँ। इसको आप करेंगे सर्च, सर्च करने के बाद ये आपको पॉपअप खुल के आ गया, नया जो विंडो नहीं खुलेगी, और यहाँ पे ये आपके पास आ गया, छोटी सी फाइल है 9 MB की, KMS ऑटो नेट 2015 1.5.6 पोर्टेबल क्रैकिंग पैचिंग, ठीक है। ये वाली फ़ाइल आप इसको उठा लें या कोई और भी उठा सकते हैं, कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। इसको आपने करना है क्लिक, क्लिक करने के बाद इस तरह से खुल जाएगा। अभी आपको कैटेगरी बता रहा है कि ये ऐप्स कैटेगरी में है, टाइप इसकी पीसी सॉफ्टवेयर से है, लैंग्वेज इंग्लिश है, और ये इसका टोटल साइज़ है। अब यहाँ से आप टॉरेंट डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप एनोनिमस डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप मैग्नेट डाउनलोड, अगर आप मैग्नेट डाउनलोड करेंगे तो डायरेक्ट ये सीधा जो है जाके खुल जाएगा उसके अंदर जो है टॉरेंट के अंदर। सो क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये एक पॉपअप खुलेगा, ओपन बिट टॉरेंट, ओपन बिट टॉरेंट, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगा, यहाँ ये आपको डिटेल्स बताएगा कि डिस्क स्पेस कितनी है और इसका साइज़ कितना, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे उसकी डिटेल्स है कितनी फाइल्स हैं और कितने MB की उसकी साइज़ क्या है, यहाँ सारी चीज़ें ये देखें जी। ये 8.77 MB की ये फाइल है, ये 8.95 MB आपको चाहिए, और ये टोटल डिस्क स्पेस है हमारी, और इसके बाद हम इसको करेंगे ओके, और ये डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद हम इसको करेंगे इंस्टॉल और इसको करेंगे यूज़। ये अब मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास ये अभी मैंने डाउनलोड पहले कर लिया हुआ, तो मैं इसको कर दूँगा पॉज, और मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे डाउनलोड्स में। KMS ऑटो नेट सबसे पहले आपने करना क्या है, इसको डाउनलोड करने से पहले आप ये अपना जो विंडोज़ सिक्योरिटी में वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन है यहाँ पे होता है, विंडोज़ सिक्योरिटी खोलेंगे, विंडोज़ सिक्योरिटी खोलने के बाद वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन है इसको, या रियल टाइम प्रोटेक्शन, इसको मैंने ऑफ़ किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको मैं ऑन करूँगा तो ये exe फाइल्स उड़ा देगा, जो भी हमारे कोई सॉफ्टवेयर वगैरह होंगे exe फाइल में वो ये उड़ा देता है, इसलिए आपको चाहिए कि आप डाउनलोड करने के बाद उसको पहले zip में कन्वर्ट कर लें। जब आप zip में कन्वर्ट कर लेंगे देन आपके पास वो सेव पड़ी रहेगी कि आप इसको ऑन भी कर लेंगे तो वहाँ से उड़ेगी नहीं, लेकिन जब आप उसको यूज़ करेंगे, यूज़ करने के लिए आपको इसको पहले टर्न ऑफ करना पड़ेगा रियल टाइम प्रोटेक्शन को। अब रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ़ की, जैसे मैंने ये ऑफ़ की हुई है, तो अब मेरी exe फाइल जो है ये डिलीट नहीं हो रही, इसको ये डिलीट नहीं कर रहा जो विंडोज़ डिफेंडर है, ठीक है। इसको हम करेंगे ओपन, ओपन करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि अलाउ करो या ना करो, तो हमने जिसको अलाउ किया यस किया, यस करने के बाद ये हमारे पास जो है इसका KMS ऑटो नेट 2015 ये ओपन हो गया इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ओपन होने के बाद अब मेरा सिस्टम तो वैसे एक्टिवेटेड है, योर सिस्टम इज़ एक्टिवेटेड, लेकिन आप इसको एक्टिवेशन पे करेंगे जब आपका सिस्टम एक्टिवेट नहीं है, और एक्टिवेट विंडोज़ को आप क्लिक कर देंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद ये ऑटो स्टार्ट कर देगा इसको एक्टिवेट करना, और एक्टिवेट करने के बाद यहाँ एंड पे आपको बताएगा कि योर प्रोडक्ट इज़ एक्टिवेटेड, ठीक है। अब ये देखें कि इंस्टॉल सक्सेसफुली, इंस्टॉलिंग विंड डाइवर ड्राइवर,
इस तरह से अपना प्रोसेस ये चलाएगा। प्रोसेस चलाने के बाद एक्टिवेशन ऑफ प्रोडक्ट विंडोज़, ये आप लोग देख रहे हैं आपके सामने किस तरह से चल रही सारी चीज़ें, यानी कि अपना प्रोसेस इसने स्टार्ट कर दिया KMS ऑटोनेट ने। इससे आप ऑफिस भी इंस्टॉल कर, ऑफिस को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, ऑफिस का भी ऑप्शन है, बल्कि मैंने वीडियो भी इस पर बनाई हुई आई थिंक या बना दूंगा। तो इस पर आप ऑफिस को एक्टिवेट करना हो तब भी ये आपको काम आएगा, और अगर आपने अपनी विंडो को एक्टिव करना है तब भी आपको यही जो है एक्टिवेटर KMS ऑटोनेट यही आपको काम आएगा, और ये आपका इजीली जो है एक्टिवेट कर देगा आपकी विंडोज़ को भी, आपके उसके बाद जो क्या है ऑफिस को भी, MS ऑफिस को। ये देखें प्रोडक्ट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, अब ये हमारा जो विंडो है मेरी ये एक्टिवेट हो चुकी है। जब भी आप विंडो करते हैं तो उसको इस तरह से एक्टिवेट कर लिया जाता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है, ठीक है जी। इस तरह से विंडो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।